आज वाघवन फेस्टिवल पिछले दो दिन से लगातार चलता आ रहा है। आपने देखा कि हजारों की तादाद में लोगों ने यहाँ के लोगों ने दूर दराज किश्तवाड़ जिले से आए हुए लोगों ने कहीं कहीं पे अनंतनाग जिले से आए हुए लोगों ने इसमें कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वाघवन अपने आप में इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वैलीज in Jammu and Kashmir. Vadhavan is also one of the offbeat destinations that we have chosen. और वाडवन को इसके टूरिज्म पोटेंशियल को टैप करना, सही मानों में इसको प्रोजेक्ट करना नेशनल और इंटरनेशनल स्केल पे, ये उस तरफ एक पहला स्टेप है। मैं खासतौर पे आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट डिप्टी कमिश्नर एंड द एंटायर टीम ऑफ किश्तवाड़ अलॉन्ग विद द एंटायर टीम ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ऑन सच ए मैसिव स्केल। इतने बड़े पैमाने पे आम लोगों की इतनी हैवी तादाद पार्टिसिपेट कर रही है और मुझे लगता है कि इससे इस जगह को, वाडवन को और किश्तवाड़ ज़िला वैसे ही बहुत खूबसूरत ज़िला है। इसमें हर जगह जहां आप जाइए, किश्तवाड़ टाउन हो, किश्तवाड़ का कोई भी इलाका हो, यहां एडवेंचर टूरिज्म हो, यहां लेजर टूरिज्म हो, पिलग्रिम टूरिज्म, आप जानते हैं मचैल यात्रा में इस बारी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स हुए हैं, इसी तरह से एडवेंचर ट्रैक्स जो हमने 75 एडवेंचर ट्रैक्स स्टार्ट किए हैं उसमें काफ़ी डोडा किश्तवाड़ और रामबन ज़िले में है, बट किश्तवाड़ रामबन डोडा उधमपुर इस तरह के ब्यूटीफुल ट्रैक्स हैं और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। और ये आप देखिए कि वादी अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे अगले कुछ सालों में मुझे लगता है कि हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। लेकिन इस जगह का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैसे हिमालयन इकोलॉजी, हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ लोकल इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इको टूरिज़्म का बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, लोगों का हमें इसमें साथ चाहिए। और मैं गुजारिश करूँगा किश्तवाड़ ज़िले के और रामबन ज़िले और डोडा ज़िले और तमाम जो इस एरिया में अजला हैं उन सब के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि टूरिज़म ज़िले से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि टूरिज़म का पोटेंशियल यहाँ बहुत ज़्यादा है और ये लाइवलीहुड जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इस जगह की, इन ज़िलों की, इन जगहों की इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने में मेजर रोल प्ले कर सकता है आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से जो भी इनिशिएटिव्स हैं। आज मैंने यहाँ 7-8 चीज़ें अनाउंस की हैं, इसमें यंगस्टर्स की स्किलिंग और अपग्रेडेशन, उनका टूरिस्ट गाइड्स बनना, राफ्टिंग करवाना, इसी तरह से हमने होम स्टेज का 100 होम स्टेज यहाँ मैंने आज वाडवन में अनाउंस किया है, और इम्पॉर्टेंटली जम्मू कश्मीर का पहला युवा यूथ क्लब, युवा टूरिज्म क्लब वाडवन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस जगह के टूरिज्म पोटेंशियल को पूरी दुनिया में दिखाना चाहिए। सर, यहाँ डिमांड ये है कि इस फेस्टिवल को जून जुलाई के महीने में अगर कराया जाता तो इससे ज़्यादा गैदरिंग देखने को मिल सकती। देखिए ऐसा है, आज आपने एक बिस्मिल्ला देखी है, अब आप आगे से इससे ज़्यादा बड़े, इससे ज़्यादा स्केल्ड अप इवेंट्स देखेंगे। लेकिन आज आप देखते हैं कि कितनी खूबसूरती है, जितने लोग यहाँ पर शिफ्ट आए हैं मुझे लगता है कि यहाँ टेंट में वो समा नहीं रहे। तो आई थिंक दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी होल्ड दिस वी आर डेफिनेटली गोइंग टू विटनेस मच ग्रेटर नंबर्स, वी आर गोइंग टू विटनेस ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन और स्टेक होल्डर्स को सबको ऑन बोर्ड लेके अच्छे से इसको बहुत अच्छे से स्केल अप। साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो साउथ कश्मीर का सेंटर टॉप जो है इस वक्त टॉप फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद वहाँ पर आज तक एक ना तो डस्टबिन कहीं